नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है माँ का गिफ्ट। आज सचिन कैलेंडर देखकर चौंक उठा, बोला, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 10 जनवरी है, कल माँ का जन्मदिन है, कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में उसने शोर मचा दिया। लक्ष्मी जी झेप गई कि क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं गया था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही थी। राम सिंह जी सुबह की सैर के लिए निकल गए। लक्ष्मी जी आंगन में आकर महरी और दूध वाले के इंतजार में टहलने लगी। तभी सचिन की पत्नी नीरा ने पुकारा, माँ चाय। आज के भौतिकवादी युग में सुबह सुबह कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। लक्ष्मी जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गई। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से नीरा बहू आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति सचिन के माध्यम से उसने लक्ष्मी जी की पसंद और नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू काजल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंजीनियर है। सुबह देव और काजल दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं, इसलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना लक्ष्मी जी अपना कर्तव्य समझती थी। छोटे बेटे सचिन ने MBA कर लिया तो लक्ष्मी जी को पूरी उम्मीद थी कि उसे भी बड़े बेटे देव की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का तो यही प्रचलन है, एक साथ पढ़ने या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब सचिन ने उन्हें वधु ढूंढने लाने के लिए कहा तो वे दंग रह गई थी। कैसे कर पाएंगी वह यह सब। एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी मध्यस्थ की भूमिका निभा कर रिश्ता तय करवा देते थे। योग्य लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से भिन्न है। देव काजल को देखकर लक्ष्मी जी मन ही मन खुश रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है, उन्हें भी पूरा पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी सचिन का बायोडाटा डाल दिया था। कई प्रस्ताव आए। लक्ष्मी जी की नज़र एक बायोडाटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लक्ष्मी का जन्म स्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षिक योग्यता BA होम साइंस थी। कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल राजकीय महाविद्यालय प्रयागराज देखकर वे चौंक उठी थी। कई यादें जुड़ी हुई थी उनकी इस कॉलेज से। वे स्वयं भी तो इसी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। उसी कॉलेज में जब वे सितार वादन का पुरस्कार पा रही थी तब समारोह के बाद राम सिंह जी ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं लक्ष्मी जी भी बेहद खुश थी। ऐसे संगीत प्रेमी और कला पारखी राम सिंह साहब के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी। इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली लक्ष्मी जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 5-6 माह बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर से मंगवाया था तो राम सिंह जी ने पापा देखते ही फट पड़े थे। यह तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या, उनकी निगाहें चुभसी रही थी। भय से लक्ष्मी जी का शरीर कांपने लगा था। लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक न सकी थी। पापा आपकी बातें सही हैं, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा। यह कहकर ससुर जी चले गए थे। लक्ष्मी जी घंटों बैठी रही थी, सूझ नहीं रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। शायद राम सिंह जी कुछ मदद करें। मन में जब यह ख्याल आया तो कुछ तसल्ली हुई थी। उस दिन वे ऑफिस से काफी देर से घर लौटे थे। रूठी हुई भाव मुद्रा में लक्ष्मी जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ।
पापा बता रहे थे, तो उन्हें समझाइए ना। लक्ष्मी, यहाँ कहाँ सितार बजाओगे, बाबूजी न जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं तुम्हें सितार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना। यह कहकर राम सिंह जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला बनारस हो ही गया। राम सिंह जी को मनचाहा कार्य मिल गया। जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और पटरी पर चलने लगा, तो एक दिन लक्ष्मी जी ने दबी आवाज में सितार की बात छेड़ी। राम सिंह जी हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो, देव गोद में आया तो। लक्ष्मी जी उसके लालन पालन में लीन हो गई। जब वह स्कूल जाने लगा तब फिर सितार की याद आई उन्हें। पति से कहने की सोच ही रही थी कि फिर उल्टियां होने लगी। सचिन के गोद में आने के बाद तो वे और व्यस्त हो गई। दो दो बच्चों का काम, छुट्टी के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। सचिन भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। लक्ष्मी जी ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। पति चाय पी रहे थे। बोले, अच्छा लगता है ना सितार वादन। हाँ, ऐसा बजा सकती हो। ऐसा कैसे बजा सकूंगी, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है, सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा, अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। मकान बनवाना है ना। मकान बनवाने में वर्षों लग गए, तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। नीरा का बायोडाटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम वसुंधरा जाना पहचाना सा था। नीरा से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। सचिन जैसे होनहार MBA के लिए, नीरा जैसी मात्र BA पास लड़की। लक्ष्मी जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। नीरा अच्छी बहुत सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटाकर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती, तो लक्ष्मी जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी लक्ष्मी जी रोज की तरह अपने काम में लग गई। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई बात नहीं छेड़ा। लक्ष्मी जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हो, तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। नीरा पास ही खड़ी थी हाथ बटाने के लिए। दही बड़े, मटर पनीर, गाजर का हलवा, पूड़ी कचौड़ी, रायता बनाए गए। दाल छौकने भर का काम उसने लक्ष्मी जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी देव और काजल कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोंगे में पलटे तो नीरा ने मेज पोछ दी। सभी तभी शोर मचाता हुआ सचिन कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डब्बा था। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन मुबारक। लक्ष्मी जी का मन खुशी से भर उठा कि इसका मतलब सचिन को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थी। देव और काजल के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे, यही नहीं एक फूलों का बुके भी था। लक्ष्मी जी अनमनी सी आकर सबके बीच बैठ गई। उनकी पोती पीहू ने कूदते फांदते सारे पैकेट खोल डाले थे। यह देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह नॉनस्टिक कुकवेयर सेट है, इसमें कम घी तेल में कुछ भी पका सकती हैं आप। काजल ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूसर मशीन। मिक्सी तो हमारे पास है ही, इस जूसर मशीन से जूस निकालने से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। राम सिंह जी बोले, क्या बात है लक्ष्मी, बेटे बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
पति की बात सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गई। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर लक्ष्मी के लिए कुछ नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोककर वे बैठी रहीं। मन की गहराइयों में असद्धता छाई रही। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर उन्हें कहे कि ये उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये। रात होते होते लक्ष्मी जी को अपना सिर भारी लगने लगा। हल्का हल्का सिर दर्द भी महसूस होने लगा था। राम सिंह जी रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकला था। उसकी रोशनी लक्ष्मी जी को होले से स्पर्श कर गई। वे उठकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर आराम करने लगी। आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थी, तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंक कर लक्ष्मी जी ने आंखें खोली तो सामने नीरा को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बस यूं ही, धीमे से लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया। नीरा थोड़ा संकोच से बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए, आप माँ हैं सबकी, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं लक्ष्मी जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी हैं। वे कुछ नहीं बोली। हैरान सी नीरा का चेहरा निहारती रह गई। नीरा ने साहस बटोर कर पूछा, माँ पसंद आया मेरा यह छोटा सा उपहार? यह देखकर चहक उठी थी लक्ष्मी जी। उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी वे सितार भी बजाया करती थी, सुंदर कविताएं और कहानियां लिखा करती थी। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर नीरा को इस विषय की जानकारी कहां से मिली? इसने उनके मन में क्या उमड़ घुमड़ रहा है, कैसे जान लिया? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी सितार वादक हैं, लिखना चित्रकारी करना आपका शौक है। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई थी कि जिस लक्ष्मी की बात नीरा कर रही है, उस लक्ष्मी को तो वे खुद भी भूल चुकी हैं। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही सुनती आई हूँ। मेरी माँ जो आपके साथ पढ़ती थी कभी, बहुत प्रशंसा करती थी आपकी। कौन? वसुंधरा? लक्ष्मी जी ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडाटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया था। लक्ष्मी जी की शादी पहले हो गई, इसलिए वसुंधरा के विवाह में नहीं जा पाई थी। फिर घर गृहस्थी के दायित्वों के निर्वहन में ऐसी उलझी की उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें धूमिल पड़ती चली गई। नीरा के बायोडाटा पर वसुंधरा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी वसुंधरा। कहां जानती थी कि नीरा उनकी घनिष्ठ मित्र वसुंधरा की बेटी है। बारात में भी नहीं गई थी, जाती तो थोड़ा बहुत जानकारी जरूर मिल जाती। बस इतना जान पाई थी कि पिछले महीने ब्रेस्ट कैंसर रोग से वसुंधरा की मृत्यु हो गई थी। नीरा अब भी कह रही थी, ठीक ही तो कहती थी माँ कि हमारे साथ लक्ष्मी नाम की एक लड़की पढ़ती थी, वह जितनी सुंदर थी उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसे ही बनो, मेरी सहेली लक्ष्मी जैसी। लक्ष्मी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं किसी दूसरी की लक्ष्मी की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन सच को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में नीरा के शब्द अब भी गूंज रहे थे। तो वह लक्ष्मी अभी भी खोई नहीं है, कहीं न कहीं उसका वजूद अब भी है। लक्ष्मी जी का मन भर आया, शायद उनका अचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया था उन्होंने, और क्या कहती तुम्हारी माँ? यही कि तुझे गर्व होना चाहिए, जो तुझे लक्ष्मी जैसी सास मिली, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है।
तू बहुत खुश रहेगी। मां सच कहूं तो मुझे सचिन से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी, पहले क्यों नहीं बताया? नीरा की आंखों में झांक कर लक्ष्मी जी ने हंसकर पूछा, कैसे बताती? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हसमुख लक्ष्मी को ढूंढती रही इतने दिन। वह लक्ष्मी कहाँ रही? अब नीरा कब की पीछे छूट गई? सारा जीवन यूं ही बीत गया निरर्थक। ना कोई चित्र बनाया, ना कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया? माँ ने प्यार से लक्ष्मी जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आपका यह जीवन सजीव संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है और प्यारा है। घर तो सभी का होता है, लक्ष्मी जी धीरे से बोली, इसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही तो योगदान है माँ, इस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी है। अभिभूत हो गई लक्ष्मी जी, मंत्रमुग्ध हो गई कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय लेना चाहिए। उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही नीरा जैसे दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि नीरा न होती तो क्या बरसों पहले छूट गई लक्ष्मी जी को फिर से पा सकती थी? उनके लिए सितार को अपने ममता से सहलाया जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हो। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों में सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर बरसों बाद झंकार से भर उठे। लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी की उंगलियां तो कभी सितार को भूली ही नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।